सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी आज हाजिर हुआ हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, नई जॉब्स लेकर के। मेरी कोशिश रहती है आप सबको कुछ ना कुछ मैं नया अपडेट करता रहता हूं, ताकि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त कहीं ना कहीं जॉब पर लग जाएं, उनको रोजगार मिल जाए। बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत होती है और बहुत सारे लोगों को जॉब की जरूरत नहीं भी होती है। कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो कुछ जॉब करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको जॉब नहीं चाहिए फिर भी वीडियो पर आ गए हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई, आपकी बहनों, आपके दोस्तों तक कहीं ना कहीं पहुंच जाए और उनको एक रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए। मैं जो भी ये जॉब्स बताता हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ये सिर्फ आप सबके लिए एक हेल्प रहती है, मेरी तरफ से, एक सोसाइटी की तरफ से हेल्प रहती है। मैं इस चीज के लिए कोई पैसा नहीं लेता, ना किसी कंपनी से, ना आपसे। मैं सिर्फ दुआ लेता हूं, देनी हो तो जरूर देना। और सबसे बड़ी बात, आप सबको मैं चुकन्ना जरूर करता हूं। बहुत सारा पैसा एडवांस में आप खराब करते हो, कितना कितना पैसा जॉब लगने के लिए कंसल्टेंट्स को देकर के आते हो, 5 5 10 10 15 15 हजार रुपया, उसके बावजूद जॉब नहीं लगती है। और अगर लगती भी है तो ऐसी जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। यहां तक कि हम अपने करियर के साथ भी मजाक कर लेते हैं। बनना क्या चाहते हैं, बना क्या दिए जाते हैं, करना क्या चाहते हैं, करा क्या दिए जाते हैं। बनना चाहते हैं इंजीनियर, बना दिए जा रहे हो टेलीकॉलर। अरे, बनना चाहते हो अकाउंटेंट, बना दिए जा रहे हो रिसेप्शनिस्ट। और आप बन भी जाते हो, क्यों? क्योंकि एडवांस में पैसा देकर आ चुके होते हो और वो पैसा वापस भी नहीं मिलता, है ना। तो प्लीज एडवांस में पैसे जॉब लगने के लिए नहीं देने हैं, समझ लो, नहीं देने हैं। चलो ठीक है, अगर कोई मांग रहा है दो एडवांस का, एक ही, नो एडवांस, जॉब लग जाए मतलब कि जॉब लग जाए, लो जितने मांग रहे हो लो, हाफ सैलरी मांग रहे हो लो। पर अगर कोई आपसे एडवांस में मांग रहा है, ये रजिस्ट्रेशन फीस है, काय की रजिस्ट्रेशन, काम तो करा, समझे। चलो एनीवेज, आप खुद समझदार हैं, अपना ध्यान रखिए। आज की जॉब्स जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इन जॉब्स में मैं फोन नंबर तो नहीं बता रहा, पर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, उसमें जाकर उसको ज्वाइन कर, वहां पर भी बड़ी सारी जॉब्स ये बता रखी होती हैं। आप इवन दैट वो जॉब्स की जो ईमेल आईडीज हैं उस पर आप अपना रिज्यूम, अपना कवर लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं, जहां से आपको कभी ना कभी कॉल आ सकती है। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी तो कॉल आ सकती है और कभी तो करियर बन सकता है, होता है कि नहीं होता? तो बी पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की वैकेंसीज ये रही। तो आज की वैकेंसीज रहेंगी मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश की। मेरे जो भी भाई बहन दोस्त मदनपल्ले में रहते हैं, उन सब के लिए आज की वैकेंसीज रहेंगी। देखिए, हमें एक ऑफिस में डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेस चाहिए। रेलेवेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, रेलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइमिंग्स यहां पर फ्लेक्सिबल रहेंगी। अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो सैलरी आपको 30,000 प्लस पर मंथ मिल सकती है। इसी तरह से एक ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, प्लस टू पास होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स जो है वो आपकी रहेंगी 9 to 6 की। सैलरी आपको मिल जाएगी 15,000 पर मंथ। इसी तरह से एक स्कूल में हमें एक कंप्यूटर टीचर चाहिए, एमसीए आपने कर रखी हो, और सबसे बड़ी चीज है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एमसीए कम से कम हो, एक आधे साल आपने एक्सपीरियंस ले रखा हो किसी स्कूल में एज ए कंप्यूटर टीचर का या किसी इंस्टीट्यूट का। टाइमिंग्स आपकी वही स्कूल वाली जो रहती है वही रहेंगी। सैलरी आपको मिल जाएगी 20K पर मंथ। इसी तरह से एक ऑफिस में डायरेक्टर मार्केटिंग चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन हम होनी चाहिए, आपने मास्टर्स इन मार्केटिंग कर रखी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको अगर एक्सपीरियंस भी है और सिर्फ आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। टाइमिंग्स मार्केटिंग की आपको पता है क्या होती हैं,
कोई भी टाइमिंग नहीं होती, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, काम से मतलब है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी आपको यहाँ पर 25,000 प्लस इंसेंटिव मिल सकता है। इसी तरह से एक ऑफिस में हमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, 10+2 होना चाहिए। टाइमिंग्स 9 to 6 की रहेंगी, सैलरी आपको यहाँ पर 10 to 15 के आसपास पर मंथ मिल जाएगी। तो ये थी जी आज की कुछ वैकेंसीज। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मेरे से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके मतलब की वैकेंसीज नहीं है तो प्लीज इन वैकेंसीज को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। आपके शेयर से किसी की जिंदगी बन सकती है, किसी को रोजगार मिल सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।